तो क्या वॉर गेम्स के अंदर सैमी जेन देने वाले हैं ब्लड लाइन को धोखा, या फिर भाई ब्लड लाइन के लिए एक होने वाली है इजी विक्ट्री वॉर गेम्स के अंदर? एडी स्टाइल्स और फिन बैलर के बीच में भाई ड्रीम मैच हमें देखने को मिलने वाला है, तो फाइनली कौन इस मैच को जीतने वाला है ये काफी ज्यादा एक्साइटिंग होगा। और कौन होगा वो पांचवा पार्टिसिपेंट जो की वॉर गेम्स के अंदर प्रियंका ब्लर की टीम को ज्वाइन करेगा? तो गाइज ओवरऑल इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं पूरा सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स को प्रेडिक्ट करेंगे, प्रेडिक्ट सभी मैचेस को कि किस मैच के अंदर किसकी रिटर्न हो सकती है, किसकी इंटरफेरेंस हो सकती है, कौन किस मैच को जीतेगा। तो ओवरऑल प्रेडिक्शन है ये वॉर गेम्स की। सो हे गाइस वेलकम टू आवर चैनल नाम पैक विद अ न्यू वीडियो। तो प्रेडिक्शन में आने से पहले गाइस हम टाइमिंग की बात कर लेते हैं कि कितने बजे आपको ये इंडिया से देखने को मिलने वाली है सर्वाइवर सीरीज। तो क्योंकि गाइस ये जो सर्वाइवर सीरीज इवेंट होने वाली है ये यूएसए से होने वाली है, तो इसकी टाइमिंग वही है नॉर्मल जिसकी आपको आदत हो ही चुकी होगी। तो संडे की मॉर्निंग को आपको ये इवेंट देखने को मिलेगी 6:30 बजे सुबह। तो अगर आप इंडिया से देख रहे हो तो याद रखना 6:30 बजे सुबह आपको संडे को ये इवेंट देखने को मिलेगी। कहां देखने ये आपको पता ही होगा। तो स्ट्रेट अवे चलते हैं हमारे गाइस पहले मैच की प्रेडिक्शन के ऊपर। और सबसे पहले हम यहाँ पर प्रेडिक्ट करने वाले हैं एजे स्टाइल्स वर्सेस फिन बैलर के मैच को। अब इस मैच की अगर हम बात करें तो भाई एक ड्रीम मैच है, क्वालिटी मैच है, जबरदस्त मैच होगा, हो सकता है ये नाइट का सबसे बेहतरीन मैच हो, मतलब वन ऑन वन मैचेस की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ उनमें ये सबसे बेहतरीन मैच हो सकता है। हो सकता है कि आई थिंक होगा ही क्योंकि ज्यादा मैचेस नहीं है यहाँ पर। और इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो काफी इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगी इस नाइट के अंदर, बिकॉज जजमेंट डे भी इन्वॉल्व होगा, देन उधर से ओसी के बंदे भी इन्वॉल्व होंगे, तो काफी इन्वॉल्वमेंट या इंटरफेरेंस वगैरह इस मैच के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि पर्सनली मैं चाहता कि इन दोनों का मैच बिना किसी इन्वॉल्वमेंट के हो, बट देखने को आपको मिलेगा पॉसिबली यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट वगैरह। अब यहाँ पर किसी को भी WWE जिता सकती है, क्योंकि यहाँ पर फिन बैलर को अगर आप देखो तो ट्रिपल एच उनको बहुत हाईली रेट करते हैं, तो वो उनको जितवा सकते हैं, बिकॉज आपको याद होगा उन्होंने एज को भी हराया था लास्ट पेपर व्यू के अंदर, तो उनको काफी हाईली रेट करते हैं ट्रिपल एच। दूसरी तरफ अगर आप एजे स्टाइल को देखो तो भाई लगातार वो काफी मैचेस हार रहे हैं स्पेशली पेपर व्यूज के अंदर, तो यहाँ पर मे बी ट्रिपल एच उनको जिता दे। तो एक पिक करना यहाँ पर मुश्किल है मेरे हिसाब से, 50-50 चांस है दोनों का, बट अगर मेरे को यहाँ पर विनर पिक करना है तो आई एम गोइंग विद अगेन फिन बैलर। एक दिल वाला रिश्ता है फिन बैलर के साथ, तो इसलिए मैं फिन बैलर के साथ जा रहा हूँ। बाकी अगर आप एजे स्टाइल्स को पिक करना चाहते हो तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज एजे स्टाइल्स के भी काफी हाईली चांसेस मैच को जीतने के। चलते हैं हमारे गाइस दूसरे मैच की तरफ, जो कि होगा यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए एक ट्रिपल थ्रेड मैच, सेथ रॉलिंस, बॉबी लैशले, ऑस्टिन थ्योरी। क्वालिटी मैच होगा, सीधा सीधा अगर हम विनर पर आए तो भाई ये सबको बताए कि इस मैच में सेथ रॉलिंस रिटेन कर लेंगे चैंपियनशिप, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर बात करें अगर क्या क्या इस मैच के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, तो इन्वॉल्वमेंट के अगर हम ऊपर आए तो गाइस यहाँ पर आपको ब्रॉक लेसनर की मे बी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल जाए, शायद यहाँ पर ब्रॉक लेसनर रिटर्न कर सकते हैं। अब रिटर्न के चांसेस मैं वैसे कम बोलूंगा, वाई, बिकॉज बाकी विमेंस डिवीजन के अंदर आपको कुछ रिटर्न देखने को मिल सकती है, तो इसीलिए एक नाइट के अंदर WWE इतनी सारी रिटर्न नहीं कराएगी, तो शायद यहाँ पर ब्रॉक लेसनर ना भी देखने को मिले। बट फिर भी मैं एक छोटी सी पॉसिबिलिटी रखता हूँ कि शायद बॉबी लैशले यहाँ पर, क्योंकि हारने वाले हैं, तो भाई उनको हराने के लिए आपको कुछ ना कुछ ट्रिक यूज करनी पड़ेगी, बिकॉज इस वक्त वो अनस्टॉपेबल है। ऑस्टिन थ्योरी को तो भाई साइड लगा देंगे सेथ रॉलिंस पर, बॉबी लैशले को कैसे साइड लगाएंगे ये काफी इंटरेस्टिंग चीज रहेगी देखनी इस मैच के अंदर। उसके लिए मे बी यहाँ पर WWE ब्रॉक लेसनर को वापस लेकर आए, या फिर शायद कोई और ट्रिक खेले, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। बाकी प्रेडिक्शन अगर मैं विनर की करूं तो लाइक आई सेड सेथ रॉलिंस इस मैच में जीतकर अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन कर लेंगे। चलते हैं हमारे अगले मैच की तरफ। अगला जो मैच है गाइस ये होगा सिंगल्स वुमेन्स मैच फॉर दी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप। यहाँ पर रोंडा रोजी अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करेगी शॉट्सी के अगेंस्ट। अब अगर इस मैच की प्रेडिक्शन पर हम आए तो विनर तो आपको पता ही है भाई, शॉट्सी कहीं से भी जीतेगी नहीं इस मैच को, रोंडा रोजी सक्सेसफुली इस मैच को जीतकर अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करने वाली है। इंटरेस्टिंग चीज देखने वाली यहाँ पर ये रहेगी कि क्या WWE यहाँ पर रिटर्न कराने वाली है शार्लेट फ्लेयर का। चांसेस हाई है कि WWE यहाँ पर शार्लेट फ्लेयर का रिटर्न करा सकती है, बिकॉज ये बहुत ही फीका मैच है, और सर्वाइवर सीरीज जैसे इवेंट के लिए ऐसा फीका मैच कराना बहुत ही अजीब सी चीज है, क्योंकि शॉट्सी को अभी आपने उस तरीके से बुक नहीं किया है और सडनली रोंडा रोजी के साथ आपने मैच दे दिया है। कोई भी चांस नहीं है भाई शॉट्सी का यहाँ पर मैच जीतने का, इनफैक्ट अगली फाइट भी देने का। तो इस मैच से ओवरऑल एक अच्छा आउटकम निकालने के लिए मे बी WWE यहाँ पर शार्लेट फ्लेयर की रिटर्न करा दे, तो मैं हाई होप रखता हूँ कि शायद यहाँ पर आपको शार्लेट फ्लेयर की रिटर्न देखने को मिल जाए इस मैच के एंड होने के बाद। अब एक मैच के बारे में बात करते हैं जो कि अभी तक ऑफिशियल नहीं है, पर शायद ये आपको स्मैकडाउन में ऑफिशियल होता हुआ नजर आ जाए, क्योंकि ये वीडियो स्मैकडाउन से पहले रिकॉर्ड हो रही है। और ये मैच है गाइस ब्रे वायत वर्सेस LA नाइट। इस मैच को अगर WWE ऑफिशियल करती है नाइट के अंदर तो फिर सिंपल प्रेडिक्शन है भाई, ब्रे वायत ऑब्वियसली इस मैच को जीत जाएंगे। एक्सपेक्टेशन के तौर पर आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मे बी शायद यहाँ पर नहीं पर इन फ्यूचर LA नाइट जो है वो ब्रे वायत को ज्वाइन कर ले, हो सकता है इसी नाइट के अंदर हारने के बाद कर जाए, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर नहीं बल्कि आगे के जो शोज होंगे स्मैकडाउन के वहां पर वो ब्रे वायत को ज्वाइन कर ले, तो ऐसा भी एक्सपेक्टेड है। चलते हैं हमारे गाइस वॉर गेम्स की तरफ। अब दोनों वॉर गेम्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वुमेन्स वाली वॉर गेम्स की। अब यहाँ पर अगर हम जो बेबी फेस वाली टीम है वहां पर फिफ्थ पार्टिसिपेंट को अगर गेस करें कि कौन वो हो सकता है, तो बैकी लेंच के लिए रूमर्स आ रही है कि बैकी लेंच वो फिफ्थ मेंबर हो सकती है। अगर बैकी लेंच नहीं है तो फिर मैं साशा बैंक का नाम लेना चाहूंगा यहाँ पर, साशा बैंक भी रिटर्न यहाँ पर कर सकती है। हालांकि ज्यादा मैं चांसेस बैकी लेंच के बोलूंगा, बट अगर इफ नॉट बैकी लेंच देन ऑफकोर्स साशा बैंक वो नाम हो सकती है। बाकी अगर प्रिडिक्शन पर आए इस मैच की तो भाई तगड़ा ये मैच होगा क्वालिटी वाइज, इंटरफेरेंस वगैरह तो किसी की होगी नहीं यहाँ पर, क्योंकि आप रिटर्न ऑलरेडी करा रहे हो इस मैच में किसी ना किसी
जाएगी तो वहां से आपको वो हाइप और वो सब जो है वो मजा मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको क्या बचता है, सिर्फ एक क्वालिटी मैच देना। और ये क्योंकि वॉर गेम्स पहला मैच होने वाला है, पूरी नाइट का भी पहला मैच होगा और WWE के मेन रोस्टर में भी ये सबसे पहला वॉर गेम्स मैच होने वाला है, तो इसलिए WWE चाहेगी कि भाई इस मैच को वो तगड़ा क्वालिटी वाइज बिल्ड करे। तो तगड़ा ये मैच होगा और अगर हम विनर के प्रेडिक्शन पर आए तो मुझे लगता है कि शायद बेबी फेस वाली टीम जो है वो इस मैच को जीत जाएगी, दैट मींस प्रियंका ब्लेयर वाली जो टीम होगी। व्हाई? बिकॉज आपको वहां पर एक ऑलरेडी रिटर्न भी देखने को मिलेगी, बेकी लिंच हो या साशा बैंक हो, जो भी हो, तो ऑफकोर्स जब कोई रिटर्न आता है तो आप वो उनको हराते नहीं हो एकदम से, तो रिटर्न अगर बेकी लिंच करने वाली है यहाँ पर या फिर साशा बैंक, तो इन्हीं की टीम ऑब्वियसली इस मैच को जीतने वाली है। अब बात करें मेंस वाले वॉर गेम्स की, तो यहाँ पर भी भाई तगड़ा क्वालिटी मैच देखने को मिलेगा, पार्टिसिपेंट तो सारे हो ही चुके हैं अनाउंस, इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो भी बना चुका हूँ, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में जाकर देख सकते हो, इस मैच की पूरी प्रिडिक्शन मैंने सेपरेटली डिटेल में बताई है तो वो जाके देख सकते हो, पॉसिबल एंडिंग्स क्या हो सकती है इस मैच की उसकी भी सेपरेट वीडियो है, तो वो भी आई बटन में मिल जाएगी, उसको भी जाकर आप चेकआउट कर सकते हो कि क्या क्या पॉसिबल एंडिंग्स WWE इस मैच की करा सकती है। यहाँ पर अगर हम आए इन्वॉल्वमेंट या इंटरफेरेंस वगैरह की, तो यहाँ पर मुझे लगता नहीं किसी की इन्वॉल्वमेंट या इंटरफेरेंस हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा अगर आपको सोचना ही है इतना डीप तो मे बी यहाँ पर Bray Wyatt की WWE इंटरफेरेंस वगैरह कर दे कि अगर उनका मैच LA Knight के साथ नहीं हो रहा है, WWE उनका फ्यूचर में रोमन रेंस के साथ फ्यूड कराना चाहती है, तो मे बी वो यहाँ पर ब्लड लाइन को अटैक कर दे, जिसके चांसेस मैं कम बोलूंगा, बिकॉज आप एक तरफ केविन ओवेंस को भी बिल्ड कर रहे हो, दूसरी तरफ आप शीमस को भी थोड़ा सा दिखा रहे हो कि शायद वो भी इन फ्यूचर रोमन रेंस को फेस कर सकता है, तो आई डोंट थिंक यहाँ पर WWE Bray Wyatt के साथ जाने वाली है अभी, तो शायद यहाँ पर Bray Wyatt भी ना आए, तो दैट मीन्स यहाँ पर इंटरफेरेंस किसी की नहीं होने वाली है। क्वालिटी वाइज ये मैच तगड़ा होगा और क्योंकि WWE वॉर गेम्स को पहली बार इंक्लूड कर रही है किसी मेन शो के अंदर, किसी प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर, तो इसलिए ये दोनों ही जो मैचेस होने वाले हैं, चाहे वो मेंस वाला हो चाहे वो वुमेन्स वाला हो, दोनों ही मैचेस क्वालिटी वाइज सबसे तगड़े होंगे। इनफैक्ट अभी तक के जितने भी आपने वॉर गेम्स मैचेस देखे हैं NXT के अंदर, उन सब में भी पॉसिबली ये सबसे बेस्ट मैच हो सकता है। व्हाई? बिकॉज लाइक आई सेड, ये पहला मैच है मेन शो के अंदर, तो WWE चाहेगी कि इसके अंदर इतना तगड़ा इंपैक्ट वो क्रिएट करे और इस तरीके का ये मैच बिल्ड करे कि नेक्स्ट टाइम जब WWE वॉर गेम्स को अनाउंस करेगी या नेक्स्ट साल जब आपको वॉर गेम्स देखने को मिलेगा, तो ऑडियंस जो है ना वो ऑलरेडी हाइप्ड अप होगी। व्हाई? बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी एक तगड़ा वॉर गेम्स मैच देखा होगा और बहुत सारी ऑडियंस ऐसी होगी जो कि पहली बार वॉर गेम्स देखने वाली है, तो इसलिए WWE इस मैच को नेक्स्ट लेवल बनाने वाली है। बाकी अगर हम रिजल्ट पर आए कौन जीतने वाला है इस मैच को, तो भाई मेरे हिसाब से ब्लडलाइन इस मैच को जीतेगी, क्योंकि एक प्रॉपर स्टेबल है, दूसरी टीम जो है वो कोई स्टेबल नहीं है, सिर्फ इस मैच के लिए उनको आपने पेयर अप किया है, चाहे वो जीते चाहे वो हारे, इस मैच के बाद वो सब अलग अलग हो जाएंगे, तो उनका जीतने का कोई पॉइंट नहीं बनता है, तो इसलिए उस हिसाब से आई गेस ब्लडलाइन इस मैच में जीतने वाली है, अनलेस यहाँ पर Sami Zayn कुछ धोखा वोखा दे दें या फिर Sami Zayn कुछ क्रिएट कर दें। तो मेरी प्रेडिक्शन लाइक आई सेड ब्लडलाइन के लिए जाती है, आई थिंक ब्लडलाइन इस मैच को जीतकर रिटेन तो कुछ नहीं करने वाली है, बट यहाँ पर अपनी स्टेबल को और स्ट्रॉन्ग करने वाली है। तो गाइज ये थी मेरी प्रेडिक्शंस पूरे पेपर व्यू को लेकर, आपकी क्या प्रेडिक्शंस है नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है भाई रेगुलर चैनल पर, तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, टिल देन लव यू ऑल एंड फाइट इट आउट।